5 में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले भी हमने और संसाधन के बारे में पढ़ चुके हैं और आपको हमने बता चुके हैं। अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं। जैसे घर में प्रयोग आने वाली धातु से बनी चीजों की सूची हम बना सकते हैं, ये धातुएं कहाँ से आती हैं ये हम बना सकते हैं। अब जैसे धातु क्या है, लोहे से बनी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको हम रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करते हैं। उसी तरह से अन्य चीजें भी हैं और जो धातु से बनी वस्तुओं को हम उपयोग करते हैं। अब जैसे आपको है कि जैसे हम ये धातुएं कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, इनकी सूची हम बना सकते हैं। अब हमने जैसे पढ़ा है कि भूपर्वटी मतलब पृथ्वी के ऊपर वाली परत, जब वो भूमि संपदा संसाधन पढ़ रहे थे तो हमने उसमें आपको बताया था भूपर्वटी क्या है। तो ऐसे विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित इन खनिजों के उपयुक्त शोधन करने से ही धातुएं निकाली जाती हैं। जैसे खनिज हमारे जीवन के लिए अति अनिवार्य भाग है, जैसे लगभग हर चीज को हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे सुई से लेकर बड़ी से बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज, ये सब चीजें जो है धातुओं से ही बनती हैं। और सभी खनिजों से बने जैसे रेलवे लाइन है, सड़क के पत्थर हैं, हमारे औजार हैं, मशीनें हैं, सभी जो है ये खनिजों से ही बनते हैं। जैसे कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सब खनिजों से ही निर्मित होते हैं। फिर जब हम ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं तो यह भी भोजन में भी खनिज होते हैं। जब हम खाते हैं, मनुष्य के विकास की अवस्थाओं में, अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठान के लिए भी हम खनिजों का ही प्रयोग करते हैं। आप लोग देखते हो जब हम पूजा करने के लिए थाली सजाते हैं तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, सिर्फ एक चीज से हम पूजा नहीं करते हैं। उसी तरह से खनिज क्या है, अब हम यहाँ देखेंगे खनिज क्या है। भू वैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसका एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा, नरम चूना तक सम्मिलित होता है। खनिज इतने विविध क्यों हैं? आप चट्टानों के विषय में पहले भी पढ़ चुके हैं। अब चट्टाने खनिजों के रूप में तत्वों के यौगिक हैं और कुछ चट्टाने जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टाने जो विभिन्न अनुपातों में अनेक खनिजों के योग से बनती है। यद्यपि हम कह सकते हैं कि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत पाई जाती है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, जैसे कि उस समय जब वह निर्माण होता है तो भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम होता है, जिसमें खनिजों में जो विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व, विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं, ये भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। फिर हम यहाँ पर देखेंगे सामान्य और वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। जैसे खनिजों की उपलब्धता, ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं। अब जैसे खनिज अयस्क जो है वह किसी खनिज में अन्य अवयवों तत्वों के मिश्रण व संचरण हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन अधिक महत्व है जिसमें अयस्क की खनिजों की संचय पर्याप्त मात्रा में हो। फिर खनिजों के खनन की सुविधा इसके निर्माण संरचना पर निर्भर करता है, जिसकी वजह से हम खनन की सुविधा के अनुसार ही हम मूल्य भी निर्धारित करते हैं, क्योंकि ये जो खनिज हम निकालते हैं उसमें कितना हमारा खर्च आ रहा है उसके आधार पर ही हम मूल्य निर्धारित करते हैं। कई खनिज ऐसे सेल समूह को समझना अत्यंत आवश्यक है जिसमें ये खनिज पाए जाते हैं। जैसे खनिज प्राय सेल समूह से प्राप्त होते हैं, मतलब जो पत्थरों के, हम जानते हैं कि पत्थर कैसे बनते हैं, जो कयांत्रित पत्थर होते हैं मतलब वो जमती चली जाती है, मिट्टी है परत दर परत जमती चली जाती है, वह बाद में पत्थर का रूप या चट्टान का रूप ले लेती है। फिर कयांत्रित चट्टानों खनिज दरारों में, जोड़ों, भ्रंशों, विद्रोह में मिलते हैं, जैसे छोटे जमाव सिराओं के रूप में बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं और इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल और गैसीय अवस्था के दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं और ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। और इस तरह से जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इस तरह के सिराओं के जमाव के रूप में प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे अनेक खनिज अवसादी चट्टानों में, अनेक सस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। अब क्षैतिज परतों में निक्षेपण और संचय और जमाव के कारण परिणाम होता है, जैसे कोयला और कुछ अन्य लौह अयस्क जो है इसके निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा दबाव का परिणाम होता है। अब दूसरी श्रेणी में खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित है। इसका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। फिर देखिए खनिजों के निर्माण की अन्य विधि भी धरातल चट्टानों के अपघटन के कारण होती है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अपशिष्ट चट्टाने रह जाती है, जिसको हम बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार से होता है। फिर यहाँ देखेंगे पहाड़ियों के आधार पर घाटी के तल पर रेत और जलोढ़ जमाव के रूप में खनिज पाए जाते हैं, जैसे निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से इसे जानते हैं। और फिर प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा निर्घर्षित नहीं होते हैं, जैसे सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम प्रमुख आदि।
आप लोग डिस्कवरी में भी देखते होंगे कि पानी की ढाल में या कहीं पर वो जब सोना ढूंढते हैं तो किस तरह से महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इसमें अधिकांश के व्यापक रूप में विसरित होने के कारण इसकी अधिक सार्थकता कम होती है। इसमें सामान्यतः नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन ज्यादातर समुद्री जल से ही प्रवाहित होते हैं और महासागरीय तले में मैग्नीज ग्रंथिकाओं के में ये धनी होते हैं। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ का वितरण जो असमान है। मोटे तौर पर हम देखते हैं कि हर जगह हम किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, वहाँ पर जो असमान वितरण, कहीं पर अधिक ठंड होती है, कहीं पर अधिक गर्मी होती है, लेकिन समुद्र के किनारे जो है जो वातावरण होता है वह समान पाया जाता है। इस तरह से यहाँ पर इनका वितरण भी असमान। मोटे तौर पर हम प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक और अनेक धात्विक खनिजों का अधिकांश भंडार संचित है। अब यहाँ गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांशतः खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं, और प्रायद्वीप में क्रम से राजस्थान में अनेक लोह खनिज पाए जाते हैं। फिर उसी तरह से जलोढ़ मैदान में महत्वपूर्ण खनिजों की लगभग विहीन है, क्योंकि यहाँ पर खनिजों की रद्दा अंतर्गत भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं के समय के कारण होते हैं। अब आइए हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि सदैव यह स्मरण रहता है कि खनिज का साधारण उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीवनता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वाभाविक है, जहाँ पर हम यदि खनिज का उत्खनन कर रहे हैं वहीं पर हमें उस खदान से जो खनिज निकला है उसे आसानी से हम बाजार तक भेज सकें, बाजार भी पास होना चाहिए, लेबर भी हमें पास में मिल जाना चाहिए, कारखाना भी हमें पास में होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम उस खनिज के उत्पादन में या फिर उसकी लागत जो है वह भी कम ही लगेगी, और यदि वह दूर होगा तो उसके लिए उसकी लागत अधिक लगेगी, इस तरह से वह खनिज जो है वह महंगा हो जाएगा। तो मांग पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों का चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने पर खनिज जो है निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। फिर लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन में मूल 3/4 भाग का योगदान करते हैं और धातु शोधन उद्योग के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। इसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, विकास की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि लोहे से बनी होती एक सुई से लेकर बड़ी से बड़ी मशीनें जहाज तक इससे निर्मित होती है। इसलिए हम इस खनिज को क्या औद्योगिक की रीढ़ भी कहते हैं और आधारभूत खनिज भी कहते हैं, क्योंकि घर में घरेलू चीजों में भी इस लोहे का उपयोग होता है। फिर लौह अयस्क विपुल संसाधन विद्यमान है। इसमें उच्च कोटि के लौह संयुक्त और लौह अयस्क धनी है, जैसे मैग्नेटाइट सर्वोच्च प्रकार का लौह अयस्क होता है। ये आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। फिर 70% लोहांश पाया जाता है, सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं। फिर उद्योग विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। फिर अधिकतम मात्रा में उपभोग होता है। फिर लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट में थोड़ी कम होती है। इसलिए यहाँ पर लौह अयस्क की जो पेटियाँ हैं वे कहाँ कहाँ पर है, आप देखेंगे उड़ीसा झारखंड की पेटी, यहाँ पर उच्च कोटि की हेमेटाइट किस्म का लोहा मयूरभंज व केरल जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। फिर दुर्ग बस्तर चंद्रपुर की पेटी, ये भी महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है और यह बस्तर जिले के बेलाडीला पहाड़ी में श्रृंखलाओं के अत्युत्तम कोटि में हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें गुणवत्ता के लोहे के 14 जमाव मिलते हैं। इस्पात में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। खदानों का लोहे विशाखापट्टनम पत्तन के दक्षिण कोरिया में निर्यात करता है। फिर बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरु पेटी कर्नाटक इस पेटी के लोहे अयस्क की बृहत राशि संचित होती है। इस तरह से खाने 100% इकाई निर्यात इकाई निर्मित होती है और संसार सबसे बड़े निक्षेप में एक माने जाते हैं। लोहे अयस्क जो है वह एक रूप से पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। वहाँ गोवा पेटी में गोवा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। इस तरह से लोहा उत्तम प्रकार का नहीं बल्कि उसकी दक्षता से दोहन किया जाता है। मतलब हमको लोहे के किस तरह से उपयोग करना है और कैसे क्या करना है, मतलब आवश्यकता अनुसार हम लोहे को परिवर्तित करके उसको उपयोगिता अनुसार बना लेते हैं। फिर आप देखेंगे मैग्नीज रूप में भी इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में किया जाता है। फिर अलोह खनिज से संचित राशि, जिसमें संतोषजनक तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना आदि आते हैं, धातु शोधन इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण भी समझें। भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है, घातवर्ध है
तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट का दान है देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न। झारखंड का सिंहभूम जिले में तांबे का मुख्य उत्पादक है और राजस्थान की खेतरी खदाने भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। फिर है बॉक्साइट। बॉक्साइट इसमें अनेक आयस्कों के एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना के लिए इसमें देखने को मिलता है और बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। इस तरह से सिलिकेटों की समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों में विघटन होता है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण है, यह अत्यधिक हल्का सुचालक होता है जिससे अत्यधिक धातुवर्धता पाई जाती है। बॉक्साइट निश्चित रूप से अमरकंटक पठार, मेकल पहाड़ी, बिलासपुर कटनी पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर यहाँ देखेंगे उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ कोरारपुर जिले में पचनपल्ली निक्षेप राज्य में महत्वपूर्ण बॉक्साइट के निक्षेप है। फिर आधात्विक खनिज। आधात्विक खनिज में अभ्रक है। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों और पत्रण क्रम में पाया जाता है और चादरों को विपाटन आसानी से हो जाता है, इसलिए इसकी कुछ परतें सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित होती है। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले तथा भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्च गुणवत्ता परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा हास का निम्न गुणांक, विंस वाहन की गुण और वोल्टेज से प्रतिरोधक कारण होती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में अपरिहार खनिजों में से एक है। और यह जो छोटा नागपुर के उत्तरी पठार किनारों पर पाए जाते हैं, बिहार के झारखंड कोडरमा और गया हजारी पेटी में भी यहाँ भी ये उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादन क्षेत्र अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश में भी मिल्लारे अभ्रक पेटी भी इस देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है।